हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है और आप उसका बिल पे करना चाहते हैं और आप बिल पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना कुछ भी नहीं है, अपना फ़ोन ओपन करना है। अपने फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, SBI की क्रेडिट कार्ड वाली। इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है और मैं इस पर रजिस्टर भी हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर सिंपली अपना पिन डालूँगा और पिन डालने के बाद कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर दूँगा। मैंने पिन डाल दिया है, कंटिन्यू पर मैंने सिंपली क्लिक कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि आखिर इसमें से हमें पेमेंट कौन सी करना है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन 1976 रुपये आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हैं, तो यही आपको पे करना है। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट ड्यू, ठीक है, ये आपको मंथली में 15 तारीख को अपडेट होती रहती है, तो टोटल अमाउंट है वो आपको ऊपर वाली ही पे करनी होती है। अब इसको पे करने के लिए आप यहाँ पर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आखिर आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए हैं। अब पे करने के लिए आप AI में भी कर सकते हैं, पे नाउ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो हम पे नाउ पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सिंपली क्लिक कर देते हैं, आपके सामने डिस्क्लेमर आ जाता है, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। प्रोसीड पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मंथली की जो अमाउंट है वो आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगी, टोटल अमाउंट, तो वो आप यहाँ पर पे कर सकते हैं टोटली अमाउंट, ठीक है। तो हम चलिए पहले मंथली की अमाउंट पे करेंगे और यहाँ पर हम UPI का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये है। तो मैं UPI पर सिंपली क्लिक करता हूँ। QR कोड के माध्यम से या फिर UPI के माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे। मैंने यहाँ पर UPI सिलेक्ट कर लिया है। मैं गूगल पे चलाता हूँ, गूगल पे पर सिंपली क्लिक करूँगा, परमिशंस को अलाउ कर दूँगा। यहाँ पर हम अपना UPI पिन डालेंगे और मैं ओके कर देता हूँ। इतना काम करने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी और आपके सामने एक यहाँ पर जो सारी डिटेल है पेमेंट से रिलेटेड वो आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसे चेक कर लिया है, मैं यहाँ से सिंपली बैक करूँगा तो आप देख सकते हैं 551.78 पैसे रह गए हैं, ठीक है। जो टोटल अमाउंट ड्यू है ये 15 तारीख को अपडेट हो जाएगी और आप यहां पर ये भी अमाउंट पे करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं, फिलहाल अभी आपको देखने को नहीं मिला है, बाद में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ये भी अमाउंट पे कर देते हैं, पे नाउ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, डिस्क्लेमर आ जाएगा, प्रोसीड पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो जितनी भी आपकी अमाउंट थी वो आप यहां पर ऑथर पर सिलेक्ट करके और आप यहां पर अमाउंट डाल देंगे, वो उसके बाद में आप UPI पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दी है, UPI पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैं UPI पर सिंपली क्लिक करता हूँ और पे नाउ पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, UPI को सिलेक्ट करेंगे हम, आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वो भी अमाउंट पे कर दी है, ठीक है। अब आपको वहाँ पर 00 देखने को मिलेगा और आपकी अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 00 देखने को मिल रही है, ठीक है। और आपकी जो अमाउंट है यहाँ पर ये अपग्रेड हो जाएगी 15 तारीख को। आप यहाँ पर AI में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अमाउंट को पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।